So what's up guys, welcome back to the latest video. I hope you are doing well and me as well. तो आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशनल है, इन्फॉर्मेशनल है ना काइंड ऑफ कि एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है. सो किसी कोई ये मत सोचना कि हाँ सिंपथी गेन करने के लिए वीडियो बना रहा है. सिंपथी गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा. जिन्हें पता होना चाहिए वो बात, जिनसे सिंपथी लेनी है मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. सो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ सिंपथी गेन करने के लिए वीडियो डाली है. इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो कैनेडा में आके एक ना एक दिन सबको करना है. नहीं कर अगर वो नहीं करते सो इट्स गुड, अच्छी बात है, नहीं करना पड़े उन्हें. वैसे मोस्टली लोगों को करना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ हो जाती है ऐसी जो उन्हें हाँ थोड़ा टेंस स्ट्रेस्ड डिप्रेसिंग सा फील कराने लग जाती है. सो हम बात ये है कि हर चीज़ हम लेने से पहले या हर चीज़ कुछ करने से पहले हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं. लाइक अगर कोई सामान खरीदते हैं उसके एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पर देखते हैं, अंडा वेज है नॉन वेज है हर चीज़ देख लेते हैं. बट कैनेडा आने से पहले कोई बुराई देखता ही नहीं. कैनेडा तो चाय बड़ा चढ़ा होता है, ओ भाई कैनेडा कैनेडा जा रहे हैं हम, कैनेडा जा रहे हैं, वाह वाह. तो मेरे को भी था, हर किसी को होता है, सबको अच्छाई दिखती है. मैंने आज तक के जो भी कैनेडा में वीडियो डाली है सारी अच्छी डाली है सारी, उसमें कुछ बुराई नहीं दिखाई कैनेडा की. कि कैनेडा में हमें जब बुराई होती है तो बंदे का मन थोड़ी होता है वीडियो बना कर डालने का, कि हाँ वो पहले ही कुंदक में गुस्से में बैठा होता है, मूव बना के बैठा होता है, इरिटेट होके बैठा होता है. तो हर किसी का यही होता है, क्रिएटर्स का क्या, नॉर्मल जो नहीं भी डालते वीडियोस उनका भी यही होता है. जब आपको भी गुस्सा आता है कोई चीज़, आप टेंशन या स्ट्रेस होते हो किसी बात को लेके, तो आप उसकी वीडियो बना के तो डालते नहीं, या तो आराम से बैठ जाते हो या तो किसी से अपनी बात शेयर करते हो, डैट्स इट. फिर उसको दो दिन बाद जाके वो बात भूल जाते हैं जब वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं. सो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ. हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. जब आप अपने पेरेंट्स से रहते हो वो अप्स एंड डाउन्स फील नहीं होते, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स ले लेते हैं. क्योंकि आप इंडिया में तो शाही बाबू एक तरह से मान लो, आप गाड़ी में बैठे होते हो आपको गड्ढे फील ही नहीं होते. फिर जब आप कनाडा आते हो और ज़ीरो स्टार्ट करते हो साइकिल से, जब साइकिल पे चलते हो तो गड्ढे महसूस होते हैं. तो यही होता है कनाडा में, जब अप्स एंड डाउन्स आपको फील करने को मिलते हैं जब आप मैच्योर इनफ हो जाते हो हर चीज़ के लिए. तो वही मेरे साथ हुआ. अप्स एंड डाउन्स इंडिया में तो पता लगते नहीं, यहाँ पता लगते हैं. तो आप आ रहे थे, आप जब आए मेरे, हाँ मैं आके बहुत मज़े में था 8 महीने. तो कुछ ना चलो डाउन्स भी आते हैं हर किसी की लाइफ में. मैं ये नहीं कह रहा हाँ मेरी ज़िंदगी में डाउन्स क्यों आए, भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. आज पहली बार मैंने एक वीडियो ना स्क्रिप्टेड बनाई होगी, मतलब पूरा सोच विचार करके कि हाँ मैंने वीडियो में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. क्योंकि आई डोंट वॉन्ट लाइक कि मेरी अगर वीडियो 30 लोग देखते हैं, 1000 बंदा देखता है, 100 बंदा देखता है, 2000 देखता है, 3000 देखता है, 8000 देखता है, 10000 देखता है, जितने मर्जी इस पर व्यूज़ आएँ, तो वो बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरे को डीमोटिवेट कर रहा है कैनेडा आने के लिए, मिसलीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आखिरी में जब ऐसी चीज़ होती हैं, जब आप किसी और कोई और आपको भाषण जा रहा होता ना, मन में बंदा गाली निकालता, ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा अक्लमंद है, हमें तो अक्ल है ही नहीं. भाई ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी की लाइफ में आता है लेकिन कोई शेयर नहीं करता, और ये रियलिटी है. कैनेडा में आके हर कोई खुशी खुशी की वीडियो दिखाया था, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं. मेरी लास्ट की मैंने आज तक कितनी 20-25 वीडियो डाल दी होगी, एक में मैंने कुछ गलत नहीं दिखाया, सब में मज़े कि हाँ मैं बहुत घूम रहा हूँ, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ. तो एक वीडियो ये भी होनी चाहिए, अगर हर चीज़ के प्लस होते हैं हर चीज़ के माइनस भी होते हैं. सो ये कैनेडा ना गुड टू बी ट्रू वाली बात है कि हाँ सबको दूर से इंडिया से ना सबको बहुत अच्छा लगती है कि चीज़ इतनी अच्छी है, लेकिन इतनी चीज़ अच्छी होने के बाद भी उसके अंदर कमी क्यों नहीं है. तो वो कमी ये है कि जब अप्स आते हैं तब आप बहुत इन्जॉय करते हो, जब डाउन्स आते हैं तो वो ऐसा डाउन आता है कि हाँ आप हार्ट ब्रेक होता है ना ब्रेकअप वाला, उससे भी ज़्यादा लो फील करते हो आप उसमें. अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं दिसंबर तक सी चल रहा था. सो इट्स मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे को कोऑप लेनी थी जैन में, जैन टू अप्रैल 4 मंथ्स की फुल टाइम कोऑप थी. सो मैंने सोचा हाँ ठीक है एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, कॉलेज भी नहीं है तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा. जो काम था वो भी गया. एक जगह से मेरे को DNR मिल गया जहाँ पे मैं काम करता है. DNR मींस एक तरह से एम्प्लॉयर ने आपको फायर कर दिया ड्यू टू हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशन. वो किस्मत भी, अब देखो किस्मत हो गए चुड्डू तो क्या करेगा बोन विड़ा वाला दुद्दू, कोई बात है. तो किस बात पे फायर किया, जस्ट फॉर अ हुडी. तो मैंने हुडी पहनी थी, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अगेंस्ट थी, क्योंकि मैं एज अ मशीन ऑपरेटर काम करता था.
तो वहाँ पे वो मशीन हेल्थ एंड सेफ्टी के अगेंस्ट इसलिए थी, वो अटक सकती थी मशीन में। तो मैं पहले ही पहन के जाता था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन किसी बड़े एम्प्लॉयर मतलब बॉस वगैरह ने देख लिया उनकी टीम के, तो इसलिए वो पंगा पड़ गया, फायर कर दिया। सेकेंड जॉब मेरे को लीव करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत दूर थी और मेरे पे राइड वाला कुछ नहीं था, कोई भी जॉब नहीं थी, घर बैठा हूँ। एक तो उसकी टेंशन हो जाती है, टेंशन क्या है मेरे पे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ होती है ना कि अपनी सेविंग्स को यूज़ करनी पड़ रही है। मेरे पे अभी इतने पैसे हैं कि हाँ मैं ऐसे रो नहीं रहा कि हाय मेरी जॉब नहीं है, ये नहीं है, मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ 2 महीने 3 महीने बिना किसी के हेल्प से। बट स्टिल आपको जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा सेविंग्स अर्न करनी होती है वहाँ पे, अब वही मोटिवेशन वाली बात है और डीमोटिवेशन वाली बात भी है। एक तो जॉब चली गई बट स्टिल यू कैन सर्वाइव, हाँ बहुत अच्छी बात है कि हाँ आपने पहले अपनी सेविंग्स करके रख ली थी कि आपको घर वालों से नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, फिर आप पे यहाँ पे दोस्त बनते हैं, जब वो कॉलेज ख़त्म हो गया देन यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, क्योंकि आप इतने सोशलाइज ही नहीं हुए किसी के साथ, आपने अगर गिने चुने लोग बना लिए, थोड़े बहुत बंदे बना लिए बात करने के लिए, अब एट लास्ट जब वो भी चले जाते हैं सो वो बहुत हार्ड ब्रेकिंग होता है। आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई थी तो वीडियो बीच में रुक गई। मेरी उनसे दोस्ती टूट गई, सो मैं उस पर परेशान होने लग गया, हाय मेरी ऐसे दोस्ती टूट गई, मेरे अच्छे दोस्त थे ये थे वो थे। तो ये एक दो पॉइंट नहीं थे, और भी पॉइंट्स हैं तो हर चीज़ शेयर नहीं करनी, बट स्टिल मैंने वीडियो इन दो चीज़ों के लिए बनाई कि हाँ मेरी जॉब छूट गई, मैं रोना थोना शुरू कर दूँ या कुछ हो गया, बट इट्स फाइन। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, लेकिन आपको वो देखना है कि इस वीडियो का आपको मोटिवेशन लेके जाना है या डीमोटिवेशन होके लेके जाना है। हर चीज़ के नेगेटिव एंड प्लस होते हैं, तो नेगेटिव को भी अपने दिमाग में लेके चलो। मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब करो, मैं हर चीज़ में लास्ट में एक बैनर लगाया था, लास्ट में कहता था। तो लेकिन ये वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जो जो आपके दोस्त या कोई कैनेडा में आ रहा है या नया नया गया है, सो ही शुड नो कि हाँ अगर वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा है सो ही शुड एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस एज वेल। और जो भी फील करते हो ना, मतलब सो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज टू टॉक अबाउट इट। तो मन में रख के उस बात को कुछ नहीं होगा, जो आपके साथ हैं जिन्हें पता है कि हाँ जो आपकी केयर करते हैं उनके साथ बात करो, टॉक अबाउट इट और उसका सोल्यूशन निकालो, रैदर देन जस्ट कीपिंग इन योर हेड। हो सकता है क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता फिर रहा है, ये इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़े कॉलेज का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को कितनी बार देखा कॉलेज जाते हुए, मेरी कॉलेज की वीडियो, चलो मेरे को नहीं देखा, जो मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मैं कितनी बारी कॉलेज जाता, कोई नहीं जाता। अब इतनी ठंड हो रही है, मैं 2 मिनट फ़ोन ऐसे बाहर पकड़ के खड़ा हूँ, मेरा हाथ सुन हो गया एकदम, ये देखो लाल हो गया हाथ। तो मन ही नहीं करता घर में, ठंड इतनी होती, इंडिया में कभी मन करता, इंडिया में तो बर्फ़ नहीं पड़ती तो बंदा घर से बाहर नहीं जाता, यहाँ तो फिर इतनी ठंड होती है फिर, और इंडिया में तो स्कूटी होती तो नहीं जाता, यहाँ जाओ बस स्टॉप पे खड़े हो पहले 5 मिनट पहले, फिर बस पे बैठो, फिर बस पे उतरो, और यहाँ से पहले वॉक करके बस स्टॉप तक जाओ, बंदा कहते चल छोड़ घर ही बैठते हैं। सो ये बड़ी बड़ी चीज़ें देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आपने अपने घर में रहना, काम पे जाना है, कॉलेज बस पढ़ने जाना है, सो लिमिटेड होता है वो, आपकी अपनी चॉइस, अपना पर्सपेक्टिव है कि हाँ आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो अब जा रहे हैं हम टिम हॉर्टन, वो भी पैदल, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है बस, 1 किलोमीटर कितना होता है ठंड में, लगता है कि गर्मी के 5 किलोमीटर चल रहे हो भाई। जाते हैं वहाँ से कॉफ़ी लेके आते हैं, वो भी आइस कैप, दीदी को पीनी है। ओला बस सामने से निकल गई, 2 मिनट पहले निकला था, बस पे चले जाता, इट्स ओके, जाते हैं कॉफ़ी लेके आते हैं, थोड़ा बाहर घूम भी लेंगे। भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। एक और चीज़ जो दिमाग ज़्यादा ख़राब करती है, अब वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लोगों करती है, मेरे करती है कि भाई यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, अब यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा ही कमा रहे हैं हम, तो भी यहाँ बैठ के सोच रहे हैं यार हम इतनी पैसे कमाते रहेंगे, प्रमोशन मतलब पे नहीं बढ़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं डेवलप हो रही, वो सोच सोच के बंदा परेशान होता रहता है। मैं वही यार यही करूँगा मैं, मेरा आगे मैंने कौन सी जॉब करनी है, कौन सी फील्ड में जाना है, मैंने ये गलती तो नहीं कर दी, मैंने वो गलती तो नहीं कर दी, यही सोचते मर्ज। तो भाई अब थोड़ा बस थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहने की कोशिश करो, मैं भी करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता कुछ चीज़ों से,
चलो ये हॉस्पिटल की पार्किंग है, इसके से आगे टिम हॉर्टन है, पीछे से कितनी से चल के आया मैं, व्यू देखो कितना बढ़िया हो रहा है, जीप रैंगलर खड़ी है। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं सबसे पहले जब कनाडा के फर्स्ट डे पे ये वाले टिम हॉर्टन्स में आया था, और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरे कॉफ़ी करनी आती नहीं थी ऑर्डर, मैं गया, मैंने कहा मेरे को एक कॉफ़ी चाहिए, पंजाबी लड़की थी, मैंने कहा कोई भी एक कॉफ़ी दे दो और कुछ भी खाने के लिए दे दो बढ़िया, उन्होंने चिकन खाता, मैंने कहा हाँ चिकन रैप, मैं टमाटर नहीं खाता था, टमाटर डाल दिए बेकार हो गया, कॉफ़ी उसने मेरे से पूछी क्रीम डालनी है, मैं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं डालना सिर्फ कॉफ़ी दे दो, शिट मेरे को पता नहीं था इंडिया वाला हिसाब नहीं होता, उसने क्रीम पूछी मैंने मना कर दी, ब्लैक कॉफ़ी थमा दी उसने, उसने खुद एक क्रीम डाल दी, शायद शुगर भी डाली क्रीम भी डाली, वाह इतनी गंदी कॉफ़ी, मेरे का आया है लोग कहते टिम हॉर्टन इतना बढ़िया होता कूड़ा। धीरे धीरे पता लगा एक ऑर्डर करने का तरीका होता है हमारा, देसी ज़्यादा शुगर डलवाते हैं, डबल 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 शुगर डबल क्रीम ट्रिपल ट्रिपल आइस कैप, सो वी हैव वेरी बेस्ट ऑप्शंस, सो आज मैं ऑर्डर करूँगा वो दिखाता हूँ, सो क्या खाना है वो देखते हैं। सो मैंने लिए 2 मीडियम आइस कॉफ़ी और 2 मिनट में बना के आ रही हूँ, चश्मे में ज़्यादा ज्ञानी लगता हूँ मैं, कमेंट में बता देना या सही से लगता। वैसे और कुछ खाने का मन तो था नहीं मेरा, घर तक तो जाता था सब ख़राब ही होता, कॉफ़ी बहुत है, सो ऑर्डरिंग कॉफ़ी, 1 विद आलमंड मिल्क एंड 1 रेगुलर, 2 स्ट्रॉज, लेट्स गो। हूँ यार चल के जाना पैना यार इतनी दूर, व्यू देखो ये कनाडा के व्यू, दिल्ली के दिल्ली में तो कुछ नहीं आता व्यू, पोल्यूशन इतना है, मैं बुराई नहीं कर रहा दिल्ली की, बट यू नो कि कनाडा का एयर इंडेक्स कितना है और दिल्ली का कितना है, ऑनलाइन देख लेना विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे तो पता नहीं 10 से लो है, वहाँ तो 250 चलता है। सो अब ऐसे पकड़ के पूरे रास्ते घर लेके जानी पड़ेगी, पिछली बार लेके गए थोड़े दिन पहले मैं और दीदी जा रहे तो मैंने आइस कॉफ़ी पकड़ी, मतलब नीचे कुछ और पकड़ रखा था और साथ में ऊपर आइस कॉफ़ी रखी, सॉरी गिर गई, इतना दुख हुआ, दीदी ने तो फिर 2-3 घुट पी लिए थे, मैंने तो एक सिप भी नहीं पिया था, मैंने फिर दीदी को फ़ोन करके मंगवाई बाहर से, कुछ भी हो जाए आज तो आइस कॉफ़ी पीनी ही नहीं है, अब घर जाएंगे -10 डिग्री में आइस कॉफ़ी पियेंगे। यहाँ का आरवीएच हॉस्पिटल है, ये जो बीबी मेरे पीछे अपनी गाड़ी की टिकट ले रही है, पार्किंग टिकट, नहीं तो इसे दूसरी वाली पार्किंग टिकट मिल जाएगी अगर ये वाली टिकट नहीं लेगी, मतलब पुलिस वाले जो चलाने जाते हैं पार्किंग फाइन। चलो बस वीडियो में आज इतना ही था, सी यू, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ले आया।